हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू विल बी एक्सट्रीमली गुड। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के वीडियो का टाइटल देखकर समझ आ गया होगा, ये वीडियो होने वाला है मोनेटाइजेशन के बारे में। तो यूट्यूब की 2020 की कुछ पॉलिसी में जो चेंजेस किए गए हैं, कुछ नई चीजें निकल कर सामने आई हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है 2020 में, वो थोड़ा सा और मुश्किल हो गया है क्योंकि यूट्यूब पर जो कॉम्पिटिशन है वो आप लोग सब देख ही रहे हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हालांकि देखा जाए तो यूट्यूब पर काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन 2020 की यूट्यूब की जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वो बदलाव क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। कुछ चीजें हैं जिनको आप मोनेटाइज कर पाएंगे और कुछ चीजें हैं जिनको आप मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे, और वो क्या कंडीशन है वो सब मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज जो सामने निकल कर आ रही है, यूट्यूब का कहना है कि आप अपने चैनल पर सेम वीडियो कॉन्टेंट नहीं रिपीट कर सकते। यानी कि आप एक ही तरह का वीडियो दो बार डाल दिया बनाकर, या फिर कोई दो वीडियोस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर कुछ लोगों की आदत होती है छोटा मोटा चेंजेस करके वीडियो को बार बार रिपीट करते हैं, बार बार अपलोड करते हैं, वो वीडियोस मोनेटाइज नहीं हो पाएंगे। 2020 की पॉलिसी का ये कहना है। तो अगली चीज निकल कर सामने आती है वो ये है कि अब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम तो कम्प्लीट होना ही चाहिए, उसके अलावा आपके चैनल की एक थीम होना चाहिए। यानी कि आप जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका भी आप यूट्यूब रिव्यू करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अगर ब्लॉगर हूँ और मैं अगर व्लॉगिंग की वीडियोस डालता हूँ तो मेरी कैटेगरी हो गई व्लॉगर्स में, यानी कि मैं कभी फूड व्लॉगिंग या ट्रेवल व्लॉग वगैरह अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ तो मेरी वो एक कैटेगरी फिक्स हो गई। क्योंकि कई लोग होते हैं कि मल्टीपल कंटेंट एक ही चैनल पर अपलोड करते हैं जिससे कि उनकी वीडियो किसी भी तरीके से वायरल हो जाती है, उस पर मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता था और उस पर आपकी अर्निंग शुरू हो जाया करती थी, तो अब ऐसा नहीं होगा। तो अगली चीज जो निकल कर सामने आती है वो ये है कि यूट्यूब आपके सबसे ज्यादा जिस वीडियो पे आपके व्यू आए हैं यानी मैक्सिमम व्यूज वाली जो वीडियो है उसका रिव्यू किया जाएगा। उस पर देखा जाएगा कि आपने कोई कॉपीराइटेड कंटेंट तो यूज नहीं किया है, या अगर किया है तो उस पर कॉपीराइट का स्ट्राइक आ सकता है, वो वीडियो आपको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने से आपका वॉच टाइम जरूर घट जाएगा लेकिन आपका आने वाले वीडियोस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हमने चैनल बनाया था उस टाइम ये हुआ करता था कि कोई पॉलिसी नहीं होती थी, उस टाइम आपने बस वीडियो डाला और मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता था और आपकी अर्निंग उस पर शुरू हो जाती थी, आपके वीडियो पर ऐड आना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब जो पॉलिसीज हैं उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखकर अब अपने चैनल को एक दिशा देनी है, एक आपकी मेन थीम होना जरूरी है चैनल की। तो अगली चीज जो निकल कर सामने आती है वो ये है कि आपके वीडियो का जो वॉच टाइम है यानी आपके जो चैनल का वॉच टाइम है, मैक्सिमम वॉच टाइम, वो कहाँ से आया है? आपने फेसबुक पर शेयर किया है, व्हाट्सएप पर शेयर किया है, आपने जो लिंक शेयर किए हैं उनके जरिए आया है वॉच टाइम, या फिर आपने गूगल एडवर्ड का अगर यूज़ किया है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो वॉच टाइम है क्या वो वीडियो सर्च करके लोग आए हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिक वॉच टाइम होना चाहिए। आपने किसी दूसरे तरीके से या आपने खुद वीडियो देखकर वो वॉच टाइम बढ़ाया है तो वो काउंट नहीं होगा, वो आपका वॉच टाइम रिव्यू में हटा दिया जाएगा। और अगली चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो ये है कि हमें अब इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, यूट्यूब इस चीज का भी रिव्यू करेगा कि आपने जो वीडियो डाले हैं उसके जो टाइटल हैं क्या वो बिल्कुल सही है, वीडियो में जो कंटेंट आपने बनाया है क्या टाइटल भी उसी अकॉर्डिंग है, कहीं आप क्लिकबेट तो यूज़ नहीं कर रहे, कहीं आप ऐसे टाइटल तो यूज़ नहीं कर रहे हैं जिसका आपका वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। टैग्स का आपके रिव्यू किया जाएगा, कहीं ऐसे टैग्स तो नहीं है जिनका आपकी वीडियो से कोई लेना देना नहीं है, आप सिर्फ वीडियो अपना सर्च करवाने के लिए ताकि टॉप सर्च में आपका वीडियो आ जाएगा, कहीं आप स्पैम टैग्स तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपके मन में और कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में नीचे। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई भी आपके क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है, अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो वो आप अपना सवाल वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स।